नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं पुणे में हुए एक रीसेंट केस का दूसरा और आखिरी भाग। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र प्रजापति की बेटी दिव्या की मौत रहस्य में घिरी थी। पुणे क्राइम ब्रांच ने किया इसका खुलासा। 17 जनवरी 2012 एक सिक्योरिटी एजेंसी में इंटरव्यू देने के बाद रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र प्रजापति दोपहर 12:30 बजे अपने घर पहुंचते हैं, जो धनकवाड़ी पुणे में है। पहुंचते ही सुरेंद्र देखते हैं कि उनकी बेटी दिव्या मरी पड़ी है और उसका दुपट्टा उसके गले से लिपटा हुआ है। क्राइम साइट पर इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि घर में कोई जबरदस्ती नहीं घुसा है, पर दिव्या का मोबाइल फोन और कवर्ड में रखे गए गहने मिसिंग। फिर भी स्थानीय पुलिस इस केस पर बहुत आगे नहीं बढ़ पाती और धीरे धीरे ये केस सुसाइड केस माना जाने लगता है। पर पीड़ित के पिता सुरेंद्र प्रजापति पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। वो बार बार कमिश्नर ऑफ पुलिस से शिकायत करते हैं। कमिश्नर इस केस को जून 2012 में क्राइम ब्रांच के हवाले करते हैं। क्राइम ब्रांच इस केस में पूरे जोश के साथ कूद पड़ती है ये साबित करने कि ये केस एक मर्डर केस है, और तब तक है जब तक सुसाइड थ्योरी सिद्ध नहीं हो जाती। सुरेंद्र प्रजापति के शक का एकमात्र निशाना होता है रवि नायर, दिव्या का मंगेतर, जिसने दिव्या से 11 साल पहले शादी का वादा किया था और जो अभी तक नहीं निभाया। इस बात को लेकर दिव्या काफी डिस्टर्ब रहा करती थी, पर दिव्या की छोटी बहन धनश्री को यह आरोप बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से रवि और उसकी मरहूम बहन दिव्या एक दूसरे से सच्चा और गहरा प्रेम करते थे। पर धनश्री का पति वसंत दामले, जो फिल्म इंडस्ट्री में लाइट सप्लाई करता है, वो क्राइम ब्रांच से कहता है कि उसके ससुर सुरेंद्र प्रजापति ने बातों बातों में दिव्या की परेशानी 2-4 बार उसके साथ शेयर की थी। रवि नायर LAP केरला को बिलोंग करता है और दुबई में नौकरी करता है। इससे पहले कि क्राइम ब्रांच रवि तक पहुंचे, वो सुरेंद्र प्रजापति की पत्नी और दिव्या की मां मीनाक्षी से मिलते हैं। हैरत की बात ये होती है कि मीनाक्षी ने 2 साल पहले 2010 में सुरेंद्र के साथ अपनी शादी को खारिज किया था और अपनी मां के साथ अलग रह रही थी। उसने अलग होने का फैसला शादीशुदा जिंदगी के 44 सालों बाद किया था। कड़वाहट से भरी मीनाक्षी क्राइम ब्रांच को बताती है कि सुरेंद्र प्रजापति एक क्रूर और निर्दयी इंसान है, जिसने उसे हद से ज्यादा टॉर्चर किया था। मीनाक्षी ने प्रण लिया होता है कि वो सुरेंद्र का चेहरा कभी नहीं देखेगी, इसीलिए वो अपनी बड़ी बेटी दिव्या के अंतिम संस्कार में नहीं आती। पुलिस उससे सख्त पूछताछ करती है और जानना चाहती है कि क्या मीनाक्षी का दिव्या की मौत में कोई हाथ है। मीनाक्षी आरोप सुनकर टूट जाती है, कहती है कि उसने अपने पति के जाने बिना पुणे और मुंबई में 2 प्रॉपर्टीज खरीदी थी। जब वो सुरेंद्र को छोड़कर निकल आई थी तो उसने वो दोनों प्रॉपर्टीज अपनी बेटियों के नाम कर दी। वो दिव्या की याद में रोती है और पुलिस के आरोपों का खंडन करती है। पर सुरेंद्र प्रजापति का सर्विस रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन होता है, जो ये साबित करता है कि वो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर था। अब क्राइम ब्रांच LAP पहुंचती है रवि से मिलने, जो दुबई से छुट्टी लेकर घर आया हुआ है। रवि खुलासा करता है कि उसने छुट्टी शादी करने के लिए ली थी। वो और दिव्या जून 2012 में शादी करने वाले, तो दिव्या के पिता प्रजापति ने उसका डटकर विरोध किया था। पर आखिरकार समय के साथ प्रजापति नरम पड़ गए और उन्होंने अपनी मंजूरी दे दी। लेकिन तब तक काफी समय निकल चुका था और इसी दौरान रवि को दुबई में नौकरी मिल गई। 11 साल के बाद अब जून 2012 में रवि और दिव्या की शादी होनी थी, पर जनवरी में ही दिव्या की मौत हो गई। पुलिस अब अचरज में पड़ जाती है। क्या प्रजापति के बारे में कही गई सभी बातें सच है? क्या ऐसा है कि सुरेंद्र प्रजापति पुलिस ऑफिसर होने के कारण हमेशा कोई एंगल ढूंढते रहते हैं और वो एक सुसाइड केस को मर्डर केस साबित करने पर तुले हुए हैं? क्या ये मर्डर एंगल बिल्कुल ही काल्पनिक है? पर एक बहुत बड़ी सच्चाई ये थी कि दिव्या का मोबाइल फोन 6 महीने से ट्रैक नहीं हुआ था और ना ही उसके लॉकर से गायब हुई ज्वेलरी। दिव्या की मौत के पूरे 7 महीनों बाद एक दिन अचानक दिव्या का सेल फोन एक्टिवेट होता है। पुलिस मोबाइल के IMEI नंबर को ट्रेस कर पाती है कि फोन कोल्हापुर में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब आगे सर, दिव्या का मिसिंग सेल फोन कोल्हापुर में स्विच ऑन हो गया। कोल्हापुर पुणे से लगभग 218 किलोमीटर दूर है। राघव, ये केस जो कुछ भी है सुसाइड का नहीं है। मंसूर खान 12 बनवारी चाल कोल्हापुर, दिव्या का मिसिंग सेल फोन इसी आदमी के पास है। नया नंबर 4447876 पुणे से फोन गायब हो गया और कोल्हापुर पहुंच गया। राघव, पता करो इस प्रजापति फैमिली का कोल्हापुर से क्या कनेक्शन है। यस सर। हेलो, मंसूर को बुलाओ। कहाँ मिला? मिला नहीं साहब, खरीदा, वो भी 3 दिन पहले। कहाँ से? दुकान से साहब,
मार्केट में मोबाइल की दुकान है ना, वहां से चल ले चल वहां। हो साहब, मैंने ये पीस मंसूर भाई को बेचा था। ये पीस तुम्हारे पास कहां से आया गौतम? इसलिए असली मालकिन की मौत 6 महीने पहले हुई थी पूना में। देख गौतम, सच सच बता दे, वरना इस मोबाइल की तरह मैं तुझे खोलकर तेरे अंदर से सच निकालूंगा। देखो साहब, ये मोबाइल तो मेरे पास 6 महीने से पड़ा है। आया कहां से? पानी में से। पूरा डिब्बा हो गया था साहब, पूरा सर्किट बदलना पड़ा। 6 महीने से मैं रोज इस मोबाइल से कुछ ना कुछ किड़ा करता रहा, एकदम ब्रांड न्यू बना डाला, फिर 2 हफ्ते में चालू हो गया साहब। फिर तूने ये मंसूर को बेच दिया? मंसूर भाई को पसंद आया, मैंने बोला ठीक है, अभी इतनी मेहनत की है, 4 पैसे आएंगे, तो मैंने पीस इसे बेच दिया। साहब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, पसंद आया मैंने खरीद डाला। गौतम, ये फोन खुद पानी में से तैरकर तुम्हारे पास आया था क्या? सुनील ने इसे पानी में से निकाला और 150 रुपए में मुझे बेचा। ये सुनील कौन है? सुनील शेवड़े साहब, यही बाजू के चाल में रहता है। साहब वो रहा सुनील। कहाँ मिला? अरे खर का सांग बाबा, सच बोल, अरे पुणे में किसी मरी हुई औरत का फोन है। ये मुझे पंचगंगा में मिला साहब। पंचगंगा नदी? हो साहब। सच बता दे वरना उसी नदी में डुबा दूंगा तुझे। आई शपथ साहब, मैं और चाली के लड़के नदी पे हर दिन जाते, उधर पास ही में एक फेमस मंदिर है, उधर ऊपर ब्रिज पे से भक्त लोग नीचे नदी में चढ़ावा फूल बिल सब फेंकते। कभी बोले तो 4-6 महीने पहले की बात है, नहीं नहीं उससे भी पहले, जनवरी के टाइम। लेकिन ये तेरे ही हाथ में कैसे आया? नसीब से साहब, ऊपर से बकलोग जो भी फेंकते हम लोग डुबकी लगाते, जो हाथ में लगा अपना रख लेते या बेच देते, 2 पैसा भी मिल जाता है साहब। मेरे हाथ में ये फोन आया। इसी को प्रसाद समझ लिया और रख लिया साहब। पुणे की दिव्या का मोबाइल इंस्ट्रूमेंट कोल्हापुर की पंचगंगा नदी में फेंका गया ऊपर के ब्रिज से। अगर दिव्या ने आत्महत्या की होती तो वो 218 किलोमीटर दूर जाकर नदी में अपना मोबाइल फोन क्यों फेंकती? क्या दिव्या के पिता सुरेंद्र प्रजापति की थ्योरी सच साबित होने जा रही थी कि दिव्या का कत्ल किया गया था? सर, प्रजापति परिवार का कोई कोल्हापुर कनेक्शन नहीं है, वो लोग तो ये कह रहे हैं कि वो लोग कभी कोल्हापुर गए ही नहीं। और सर, 17 को दिव्या मरी, उस दिन सुबह फोन स्विच ऑन था और लोकेशन थी धनकवाड़ी पुणे की। दोपहर मौत के बाद फोन स्विच ऑफ हो गया। राघव, ये सिर्फ एक मर्डर नहीं है, एक वेल प्लान्ड षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र का मुख्य निशाना हम लोग है। ये सारी प्लानिंग हमें गुमराह करने के लिए की गई है। सर वैसे भी सुरेंद्र प्रजापति शुरू से ही कह रहे हैं कि ये एक सुसाइड नहीं मर्डर है। राघव, सुरेंद्र प्रजापति एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उन्होंने इस षड्यंत्र को सूंघ लिया था। प्रजापति साहब, दिव्या के केस में कुछ सुराग हमारे हाथ में लग गए। क्या सुराग, मुझे बताओ। सॉरी, आप तो जानते हैं कि हम सुराग ऐसे किसी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। हाँ हाँ जानता हूँ, पर आप अब तो मान रहे हो ना कि मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। देखिए, सही वक्त पर सारी चीजें आपके सामने रख दी जाएगी। सर, कोल्हापुर के हर ज्वेलरी शॉप में खबरों को रेड अलर्ट पर लगा दिया है। गुड। इस दिव्या के केस में कोल्हापुर के किसी बंदे का कोई ना कोई तो कनेक्शन जरूर है, बस वो हाथ लग जाए ये केस क्रैक करके ही रहेंगे।
मीनाक्षी जी, आपकी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, इस पे यहाँ पे साइन कर दीजिए। आई ने दूसरा घर भी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। धनश्री, सोच रहा हूँ अगर मीरा रोड का घर और पुणे का घर बेचकर हम लोग यहाँ कल्याण में नया घर खरीद लेंगे तो बाबा बाबा कहाँ रहेंगे? कहाँ रहेंगे मतलब? हमारे साथ और कहाँ? मेरी मीनाक्षी तुमसे नहीं मिलना चाहती। मुझे भी कोई शौक नहीं आई साहब, वो मेरे घर के साथ खिलवाड़ कर रही है, बात तो मैं करके रहूंगा। बात करने के लिए बचा ही क्या है अब? एक बात समझ लो, वो घर तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। मेरा घर मुझे नहीं मिलेगा? मेरे साथ फ्रॉड किया, मेरी मेहनत की कमाई से घर खरीदा पर नाम खुद का लिखा, जॉइंट नाम से नहीं खरीदा। अब इस उम्र में मेरे हाथ में क्या आया? कुछ नहीं, मैं कैसे जीऊंगा? तुमने कभी किसी को जीने दिया? अब तुम जियो या मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरी तो धोखा फोन साकिल तुझा। अगर मेरी मीनाक्षी को हाथ भी लगाया, चल निकल फोन। संभल के रवि, संभल के। आप भी अपना ख्याल रखना। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन तुम्हारे सामने सारी जिंदगी पड़ी है। सर, कोल्हापुर से कोई लीड नहीं मिल रही, पुणे से चोरी हुए गहने भी वहां बिकने नहीं गए, और ना ही किसी पेशेवर हत्यारे की कोई इन्वॉल्वमेंट है। राघव, मर्डर की थ्योरी तो मानकर चल रहे, पर फ्रैंकली स्पीकिंग जितने भी सुराग मिले वो हमें गोल गोल चक्कर में सिर्फ भगा रहे हैं। सिन्नर, केरला, कोल्हापुर। सर, सुरेंद्र प्रजापति एक एक्स पुलिसमैन रह चुके, हो सकता है उन्होंने षडेंद्र को पहले ही भांप लिया हो, या ये भी हो सकता है कि ये वाकई एक सुसाइड केस हो, मगर सुरेंद्र प्रजापति इसे एक मनगढ़ंत मर्डर केस इमेजिन कर रहे हो। पूना से 218 किलोमीटर दूर कोल्हापुर पंचगंगा नदी में उसने किसी को मोबाइल फेंकने के लिए भेजा होगा, जबकि दिव्या का कोल्हापुर में जान पहचान का कोई नहीं है। नहीं रहा, वो एक्स पुलिसमैन है, वो अच्छी तरह से जानता है कि मोबाइल ट्रैकिंग अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स को पकड़वा सकती है। मानता हूँ सर, लेकिन 17 जनवरी 2012 को दिव्या का सेलफोन फेंका गया, ठीक उसी दिन जिस दिन दिव्या की मौत हुई। अब सुरेंद्र प्रजापति खुद तो सेलफोन फेंकने कोल्हापुर नहीं जा सकता, क्योंकि वो पूरा दिन लोकल पुलिस के साथ थे। दिव्या को मारने वाला कोई अनजान आदमी नहीं था, वरना दिव्या उसे घर के अंदर घुसने ही नहीं देती। मर्डर के दरमियान उसने फाइट बैक क्यों नहीं किया? सर, मान लीजिए उसने खुदकुशी की हो, मगर क्यों सर? रवि और दिव्या तो शादी करने वाले थे, पूरे 11 साल के लंबे इंतजार के बाद। राघव, ये केस मतलब गुगली और बाउंसर दोनों एक साथ है। सर, सोच रहा हूँ कि धनकवाड़ी में दिव्या के पड़ोसियों के सेलफोन रिकॉर्ड चेक किए जाए, क्या पता कुछ हाथ लग जाए। वेरी गुड राघव। राघव, आपका सगले प्रयत्न कराला पाहिजे। एक काम करो, गणेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी धनकवाड़ी एरिया के जितने भी मोबाइल टावर है सबको कॉन्टैक्ट करना। 17 जनवरी 2012 के सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक जितनी भी कॉल रिकॉर्ड है सबकी लिस्ट मांगो। पुणे और मीरा रोड के फ्लैट को लेकर पारिवारिक ड्रामा पूरे पीक पर था, लेकिन क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन टीम अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन पुलिस को बार बार ये महसूस हो रहा था कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है, और इन्हीं सारे कंफ्यूजन में से पुलिस ने तहकीकात का एक नया मोर्चा खोला। सर, 17 जनवरी 2012 को सुबह 10 से 12 बजे के बीच गणेश सोसाइटी धनकवाड़ी से 1,74,000 कॉल्स किए गए। कोई बात, चलो घास के बोरी में से सुई ढूंढते।
सर, इन सारे कनेक्शंस में से एक भी कनेक्शन ऐसा नहीं है जो प्रजापति परिवार के किसी भी सदस्य से कनेक्ट होता हो। अगर ये मर्डर था तो ये हद से ज्यादा बारीकी से प्लान किया गया है। इन 57,000 सिम कार्ड में से 12 सिम कार्ड ऐसे हैं जो अगले दिन स्विच ऑफ हो गए, यानी 18 जनवरी 2012 दिव्या की मौत के ठीक अगले ही दिन। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि इन 12 सिम कार्ड में से शायद कोई हमारे काम का हो। इतने दूर आ ही गए तो 12 कदम और चल ही लेते। उन 12 सिम कार्ड में से 11 लोगों की सेलफोन कंपनी से हमारी बात हुई है, या तो फोन डैमेज है या सिम, लेकिन एक सिम अजीब है। क्यों? ये सिम 17 जनवरी 2012 को ही स्विच ऑन हुआ और 17 तारीख को ही स्विच ऑफ हुआ। किसी से कोई बात नहीं हुई, ना कोई इनकमिंग कॉल ना कोई आउटगोइंग कॉल, बस 6 SMS हुए 17 जनवरी को ही सुबह 6 से 9:30 के बीच। सिर्फ मैसेजेस? यस सर, सिर्फ SMS। किसने भेजे थे? दिव्या प्रजापति ने। सिर्फ SMS मैसेजेस? यस सर, दिव्या प्रजापति ने भेजे। किस नंबर पर भेजे हैं और किसे भेजे हैं ये तो पता चल सकता है, लेकिन मैसेज में क्या था इसका रिकॉर्ड सेलफोन कंपनीज नहीं रखती, प्राइवेसी रूल के खिलाफ है। दिव्या प्रजापति के सेल से इस सिम पर 6 मैसेजेस भेजे गए थे और उसी दिन दिव्या की मौत हो गई थी। किसके नाम पर है ये सिम कार्ड? दिनेश दामले, कल्याण से खरीदा गया सर। ये दिनेश कोई अजनबी नहीं है, दिव्या की बहन धनश्री के पति बसंत दामले का भाई है। दादा, कुछ हुआ क्या? जब होगा बोलूंगा तुझे, बार बार वही बात पूछना नहीं, बोला तेरे को। ये सिम कार्ड 17 जनवरी को सुबह 11:30 स्विच ऑफ हो गया, लेकिन दिनेश दामले का मोबाइल नंबर 4567766878 17 जनवरी को ना तो धनकवाड़ी में मौजूद था और ना ही कोलापुर में, जहां दिव्या का सेलफोन नदी में फेंका गया था। और सर, जहां दिव्या का सेलफोन नदी में फेंका गया, वहीं दिनेश के मोबाइल की सेलफोन लोकेशन कल्याण दिखा रही है। मर्डर के लिए हद से ज्यादा परफेक्ट प्लानिंग की है, पर है तो मर्डर ही। राघव, ये कन्फर्म मर्डर ही है। साहब, कायतरी सांगा ना, क्या हुआ साहब, कुछ तो बोलो साहब, क्या हुआ? जो भी बोलना है वो तू बोलेगा दिनेश दामले, गाड़ी में डालो इसे। अरे साहब, मेरी बात, साहब मेरी बात तो सुनिए। कोल्हापुर कहाँ है? बोलना, कोल्हापुर कहाँ है? कोल्हापुर कहाँ है? कोल्हापुर अपने महाराष्ट्र में साहब। पुणे से कोल्हापुर तक का डिस्टेंस बोल। पता नहीं साहब। कैसे गया था? बस से गया था, टैक्सी से, या खुद की गाड़ी है तेरी? कहाँ साहब? ये पंचगंगा नदी, उसके ऊपर ब्रिज है। बस से कहाँ उतरा था, या बस से ही फेंक दिया था? ये नदी में फेंका था ना? हाँ बोल दामले, स्टोरी बोल, मुझे स्टोरी सुननी है और असली कहानी बोल। बोल दामले बोल। बस से उतरा था साहब और नदी में फेंक दिया। नदी में क्यों? और वो भी कोल्हापुर की पंचगंगा नदी क्यों चुनी? कोल्हापुर क्यों? क्यों कोल्हापुर ही क्यों चुना? कौन है कोल्हापुर में? अच्छा, गहने कहाँ है बता दामले, गहने कहाँ है? मेरे मामा के घर। मामा कहाँ है तेरा? कोल्हापुर। दिव्या को क्यों मारा बता दामले, दिव्या को क्यों मारा? साहब मैंने वही किया जैसा मुझे कहा गया था। किसने कहा था बता, किसने कहा था? मेरे बड़े भाई वसंत दादा ने। चल क्या, चल क्या, क्या हुआ सब? चल। अरे चल, कुछ तो बता सब, क्या हुआ? बताता हूँ। अरे क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? चलो जेल जाके पता चलेगा। अरे छोड़ो, मैंने किया क्या है? अरे कोई मुझे बताएगा? अपने आप से बोलेगा या बुलवाने का इंतजाम करूं? दिव्या को क्यों मारा फटाफट बोल, दिव्या को क्यों मारा? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं मालूम साहब, कुछ नहीं मालूम। तो तुम्हारी आई ने ऐसे ही अचानक से पूना वाला फ्लैट तुम्हारे नाम पे कर दिया? साहब, आई ने ऐसा क्यों किया मुझे नहीं मालूम, मुझे सच में कुछ भी नहीं मालूम।
दिव्या को इसलिए मारा था कि उसका फ्लैट पूरा का पूरा तेरे बीवी के नाम हो जाए, मतलब तेरे नाम हो जाए, राइट? या और कोई वजह थी? कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ, पर आप अंदर कैसे आए? और तुम्हारे प्लान के मुताबिक मीनाक्षी जी ने फ्लैट तुम्हारी बीवी धनश्री के नाम पे कर दिया, राइट? मीनाक्षी जी, आपकी प्रॉपर्टी के कागजात हैं, इस पे यहाँ पे साइन कर दीजिए। आई ने दूसरा घर भी मेरे नाम पे ट्रांसफर कर दिया। पूरी प्लानिंग की गई है, पहले दिव्या को मार डालो, फिर उसकी सारी प्रॉपर्टी धनश्री के नाम ट्रांसफर करवा दो। आई तुझे शपथ, मुझे नहीं पता था कि वसंत इन सबके पीछे है। मैंने तुझे घर दे दिया था ना, क्यों धनश्री? आई देवा शपथ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वसंत दिव्या ताई को मार डालेगा। आई मेरा विश्वास कर, मुझे कुछ नहीं पता था। धनश्री को इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि हम लोगों ने क्या किया ऐसा। सच में उसे कुछ नहीं मालूम। ये सारा कांड तुम दो भाइयों ने मिलके किया? प्लानिंग सारी मेरी थी साहब, सिर्फ मेरी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी अकल तो तेरे में है ही नहीं। सच बता, और कौन शामिल था इसमें? मीनाक्षी प्रजापति, रवि नायर या और कोई था? जल्दी बोलो। ये घर के दरवाजे की और ये लॉकर की। उसका मोबाइल लेने मत भूलना, उसमें सारे SMS होंगे। नहीं भूलेंगे। अपने मोबाइल साथ में नहीं ले लेना? नहीं, आपने जैसे कहा था वैसे मुंबई में ही छोड़ दिए। ठीक है, चलो निकलो, खत्म कर दो किस्सा। हो गया? हो गया। उसका मोबाइल ले लिया ना? हाँ ले लिया। चलो निकलो। पूना आने से पहले तक हम सिर्फ SMS से कांटेक्ट में थे साहब। नया सिम लिया था साहब इस काम के लिए। मेरे ससुर प्रजापति साहब दिव्या के मोबाइल से रिप्लाई करते थे। उन्होंने बोल कर रखा था कि फोन कॉल बिल्कुल मत करना। जयकर साहब, आप, मैं आपके दफ्तर में आ रहा था। चलो अच्छा है प्रजापति साहब, साथ साथ चलते हैं। दरअसल हम भी आपको ही लेने आए हैं। कुछ पता चला? इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? बहुत आगे तक पहुंची प्रजापति साहब, बहुत आगे तक। प्रजापति साहब, आपने अगर जोर नहीं दिया होता ना तो ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होता। एक सुसाइड केस बनकर रह जाता बंद फाइलों में। मतलब ये मर्डर केस है, राइट? पकड़ो उस रवि नायर को। प्रजापति साहब, एक कहावत है, आदमी ढिंढोरा तब पीटता है जब वो चाहता है कि लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाए, या फिर तब वो दूसरी किसी आवाज को दबाना चाहता है। क्या मतलब? आपने अपनी ड्यूटी के दरमियान बहुत से लोगों से क्वेश्चनिंग की होगी, पर आज हॉट सीट पर आप खुद बैठेंगे।
आप मुझसे क्या सवाल करेंगे? हमें सिर्फ इतना बता दीजिए, आपने ढिंडोरा क्यों पीटा था? हमें पता है दिव्या का खून आपने ही किया था। हमारा सवाल सिर्फ एक ही है, क्यों? वो रवि आया था। सुना है जून की डेट फिक्स हो रही है। पूरे 11 साल के बाद शादी कर रहा है दिव्या से, छुट्टी भी लेने वाला है। ससुर जी, बहुत दिनों से एक बात कीड़े की तरह दिमाग में घुस रही है, लेकिन सोच रहा हूँ बोलूँ या नहीं बोलूँ। अबे इतना बोला है तो बोल ही डाल, नहीं तो मेरे दिमाग में कीड़ा आ जाएगा कि साली क्या बात थी। दिव्या ताई की शादी हो गई तो उसके बाद आपका क्या होगा? क्या होगा यानी? जैसा हूँ वैसे रहूँगा। कहाँ रहेंगे आप? कहाँ रहेंगे? सासू माँ ने पहले ही फ्लैट दिव्या ताई के नाम कर दिया। वो रवि जैसे ही एंट्री लेगा आपको किक मारेगा, किक, और आप सीधे सड़क पे आके करोगे आपका पैकअप। वैसे भी दिव्या ताई सासू माँ की हालत के लिए आपको फुल टू जिम्मेदार समझती है। सर कैसी फैमिली मिली है मुझे? मेरी पत्नी मीनाक्षी ने मेरे पीठ में छुरा खोपा, दो दो प्रॉपर्टीज कर दी सिर्फ अपने नाम पर, और अब वो दिव्या आपको बेघर करने पे उतावली हो रही है। मतलब ये आपके आपस का मामला है, लेकिन आप बराबर से सोच लीजिए ससुर जी, अब इस उम्र में आपके खुद के घर में हक से रहने के बजाय कहाँ आप ठोकरे खाते फिर रहे हो ससुर जी? 40 साल के पुलिस सर्विस के बाद मेरे हाथ में क्या था? बीबी मुझे छोड़कर चली गई, बेटियां मुझसे नफरत करती थी, और मेरे नाम पर तो कुछ भी नहीं था, सर छुपाने के लिए छप्पड़ नहीं था, और सब लोग मुझसे ऐसे पेश आते थे जैसे मुझ पर एहसान कर रहे हैं। आप यहाँ रहते आए हैं, आप आगे भी यहीं रहेंगे बाबा? ये घर मेरी कमाई से खरीदा गया है, इस पर मेरा नाम होना चाहिए। अगर ऐसा ही है बाबा तो फिर आप मुझे एक बात बताइए, आई ने आपके नाम पे ये घर क्यों नहीं किया, क्यों मेरे नाम पे ट्रांसफर किया? उसने चीटिंग की है, धोखा दिया है मुझे। नहीं बाबा, आप सच सुन सकते हैं तो सुनिए, आप शराबी हैं, लोगों को जानवरों की तरह मारते हैं। अगर आई आपके नाम ये घर कर देती ना तो आप उसको और हम दोनों को घर के बाहर निकाल सकते थे। मैं इतना बड़ा राक्षस हूँ तो क्यों रहती है मेरे साथ, क्यों नहीं चली गई अपने आई के साथ? चली जाती लेकिन उसने साथ चलने के लिए नहीं कहा, क्योंकि आपने उसको इतना टॉर्चर किया कि उसके अंदर की ममता मर गई, जिंदा लाश बना के रख दिया था आपने, वो कभी महसूस ही नहीं कर पाई कि जो तकलीफ वो बर्दाश्त कर रही थी वही तकलीफ हम भी झेल रहे थे, और इस सबके जिम्मेदार आप हैं बाबा, आप। चुप कर, नहीं तो एक लगाऊंगा कान के नीचे। हाथ उठाने के अलावा आप कर ही कह सकते हैं बाबा, देखा जाए तो मुझे और धनुश्री को भी आप ही की तरह होना चाहिए, बदतमीज और बेशरम, लेकिन मैंने मेरे खून की गंध को बाहर निकाल दिया है जो मुझे आपके हिस्से से मिली थी। मैंने हमेशा आपको पिता का मान दिया है, देती हूँ और देती रहूंगी। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इस घर में आराम से रह सकती हैं, कोई नहीं निकालेगा आपको, लेकिन ये घर मैं आपके नाम नहीं करूंगी। कचरा कर दिया मेरा, इज्जत का फालूदा बना दिया मेरे। 40 साल की पुलिस ड्यूटी में लोग मेरे सामने थर थर कांपते थे, मेरा नाम सुनते ही गुनाहगार अपने गुनाह कबूल करते थे, और यहां देखो एक मामूली मुस्लिम की तरह मैं खड़ा था अपनी ही बेटी के सामने, और उसकी हिम्मत देखो, मेरी गलतियां निकलती थी और मुझे कहती थी मेरे घर पर मेरा कोई हक नहीं है। दिव्या घर मेरे नाम पर कभी नहीं करेगी वसंत। मैंने आपको बोला था ससुर जी, दिव्या आपको एक दिन घर से निकाल देगी, बोला था ना, उसका ब्रेन वॉश हुआ है, वो अपनी आई और खुद की लाइफ में हो रही बुराई का बिल आपके ऊपर में फाड़ रही है। शायला, आपके हाँ कहने के बावजूद वो रवि उसको लटका के रखा है और उसका इल्जाम भी आपके ऊपर लगा रही है, ये भी कोई बात हुई ससुर जी? साला समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ इस दिव्या का?
आहो, वैसे तो हम लोग यहाँ पर मजे में, पर जब कभी ऐसा लगा कि यहाँ जम नहीं रहा तो हम लोग मीरा रोड वाले घर में जाकर रहेंगे। अपना ही तो है, मस्त है ना? काहे का मस्त है? हां, तेरी आई ने दिव्या को 2 BHK दिया और तुझे सिर्फ 1 BHK। हंसा काहे बोलता है? दिव्यता ही बड़ी है ना मुझसे। हाँ, तू छोटी है, औकात से भी छोटी, लेकिन तेरी जरूरतें बड़ी है। उसका वो रवि दुबई में सर्विस करता है, बड़े बड़े नोट छापता है। अपने पास क्या है? 2 BHK मिलता तो कुछ सुकून मिलता। बस मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। आई ने जो कुछ भी दिया है सही दिया है और सोच समझ कर दिया है। अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं ना आई से झगड़ा करूंगी ना ताई से। तेरे इसी अंधे प्यार का फायदा उठाया उन्होंने, तेरी आई और ताई ने। कुछ भी मत बोलते जाइए, मैं आई और ताई हमारे रिश्ते को आप कभी समझ ही नहीं सकोगे। पापा का सालों का दर्द हम सब ने मिलकर सहा है, उस दर्द की डोर से बंधे हुए हैं हम, कोई भी हमारे रिश्ते में फूट नहीं डाल सकता। ससुर जी, घर हाथ में आने का एक ही तरीका है। बोल तो। देखिए, सासू माँ तो आपका मुंह तक देखना नहीं चाहती, घर ट्रांसफर करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और दिव्या आपकी बेटी होने के बावजूद दुश्मन से बदतर पेश आती है, वो घर कभी ट्रांसफर नहीं करेगी। हाँ, अगर धनश्री के नाम पर घर होता तो आंख मूंद कर ट्रांसफर कर देते, और इसमें मैं आपको फुल कोऑपरेशन देता। लेकिन जब घर धनश्री के नाम पर है ही नहीं तो इन सारी बातों का क्या फायदा? घर धनश्री के नाम हो गया तो वो कैसे हो सकता है? अगर दिव्या नहीं रहेगी तो सासू माँ धनश्री के नाम पर घर ट्रांसफर कर देगी और धनश्री से डायरेक्ट आपकी झोली। दिव्या नहीं रहेगी? दिव्या नहीं रहेगी का क्या मतलब? कहाँ जाएगी वो? ससुर जी, आप इतने साल पुलिस में रहे हैं, कुछ तो सोचिए, कुछ तो तोड़ निकालिए। मैं हूं ना आपके साथ। फुल प्रूफ प्लान बनाया था, मानना पड़ेगा प्रजापति जी। और वो जोर जोर से चिल्लाना कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, वो तो मास्टर स्ट्रोक था आपका। इससे तो जिंदगी भर आपका कोई शक ही नहीं कर पाता। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद आपने इतना बड़ा और भयानक गुनाह किया, और बाकी गुनेगारी की तरह एक बेसिक सच्चाई भूल गया। क्राइम नेवर पेज, नेवर। आज तक इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट क्राइम नहीं हुआ है और ना ही कभी होगा। आई, तुझे दिव्यताई को अपने साथ ले जाना चाहिए था। क्यों नहीं ले गई उसे अपने साथ? क्यों आई? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे, खूब मोटी चूक जालेगा। जून में 2 महीने की छुट्टी ली है, डेट तुम फिक्स कर लेना, बाकी का सब काम मैं फिक्स कर लूंगा। अच्छा, हनीमून पे कहाँ जाएंगे? केरला मत बोलना प्लीज। एक बाप इतना इनसिक्योर हो गया था कि उसने अपनी ही बेटी को मरवा दिया, उस बेटी को जो जल्द ही अपने प्रेमी के साथ शादी करके अपने नए जीवन की शुरुआत करने वाली थी। एक बाप जो कभी अपनी पत्नी और अपनी बेटियों के साथ किसी भी तरह के स्नेह और इज्जत का रिश्ता नहीं जोड़ पाया, और अपने जीवन के संध्या काल में अपने सर से छत छिन जाने के डर से एक बहुत बड़ा जुर्म कर बैठा। अपनी सालों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग के सहारे एक परफेक्ट क्राइम करने निकल पड़ा। परफेक्ट क्राइम एक मिथ्या है, मुजरिम चाहे जो भी कर ले, लेकिन चोरी पकड़ी ही जाती है। फिर प्लान चाहे जो भी बनाए, चाहे वो कानून का रखवाला हो या बागी हो, जुर्म से कभी किसी को लाभ नहीं होता। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर सुरेंद्र प्रजापति, उसका दामाद वसंत दामले और वसंत का भाई दिनेश दामले फिलहाल पुलिस कस्टडी में है। सुरेंद्र प्रजापति ने बार बार इन्वेस्टिगेशन के लिए जोर दिया ताकि पुलिस गुमराह हो जाए, ये केस कभी हल ना हो पाए और अनसॉल्व केसेस की फाइल में हमेशा के लिए गुम हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनवरी 2012 में जुर्म हुआ और नवंबर 2012 में मुजरिमों को बेनकाब किया गया। पूरे 10 महीने लगे इस केस में, लेकिन ये केस अनसॉल्व नहीं रहा। कुछ लोगों को यह भी लग सकता है कि अगर प्रजापति चुप रहता
तो शायद कभी सच सामने ही नहीं आता और ये एक सुसाइड केस माना जाता और फाइल क्लोज हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता। इस केस का डूबा हुआ सुराग दिव्या का मोबाइल फोन कभी ना कभी एक्टिवेट होता और ये सारा का सारा षड्यंत्र अपने आप सामने आ जाता। जी नहीं, हम नियति के चमत्कारों की बात नहीं कर रहे, हम दिव्य शक्तियों द्वारा न्याय करने की बात भी नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं जीवन के एक मूलभूत नियम की। मुजरिम अपने जुर्म को लाख छुपाने की कोशिश करे, मिटाने की कोशिश करे, लेकिन जुर्म की निशानियां, उसके धब्बे मिटाए नहीं मिटते, वो मुजरिम के दरवाजे पर दस्तक देने पहुंच ही जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। अंग्रेजी में कहावत है, डस्ट द वाट टू डस्ट रिटर्नस्ट, अर्थात हम मिट्टी के बने हैं और मिट्टी में ही समा जाएंगे। और इसी काल अवधि में जीवित रहता है इंसान का सारा प्यार और सारी नफरत। भावनाओं के खेत उसी जमीन पर लहराते हैं जो प्रकृति माँ मनुष्य को भेंट स्वरूप देती है। पति 3 महीने से गायब हो, वो सब्र कैसे कर सकता है इंस्पेक्टर? हम हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं माधुरी जी, और हमें यकीन है कि हम गोविंद राजपूत को ट्रेस कर ही लेंगे। लेकिन आपको भी थोड़ा समझना चाहिए कि अगर अपनी मर्जी से कोई कहीं चला जाता है तो हमारे लिए काम दुगना मुश्किल हो जाता है। उत्तर मुंबई के बोरीवली इलाके का निवासी आकाश वर्मा साल 2008 से गायब था। उसी इलाके का एक और निवासी गोविंद राजपूत भी सन 2010 से गायब था। दोनों मिसिंग फाइलें 2012 तक जो की त्यों पड़ी रही। दोनों मिसिंग व्यक्तियों की कोई खबर नहीं थी। दोनों के लापता होने की दस्तक अभी गूंजनी बाकी थी। हेलो, मिस्टर दत्ता, मनसुखानी हियर। बोलिए मिस्टर मनसुखानी। मिस्टर दत्ता, जो प्लॉट आपको मखीजा बेचने की कोशिश कर रहा है वो अंडर लिटिगेशन है। मेरे परमिशन के बिना वो जमीन बिक नहीं सकती। अगर आपने मखीजा के साथ कोई भी डील की है तो वो आप अपने रिस्क पर कर रहे हैं। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। मुझे आगे कुछ नहीं सुनना, मेरी ड्यूटी थी आपको इन्फॉर्म करना, सो कर दिया। आगे आप देखिए। संभल के जाना और बड़ोड़ा पहुंचते ही फोन करना, सबसे पहले फोन, समझ गए? हाँ हाँ, मैं सबसे पहले फोन करूंगी और मम्मी जी की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। और मम्मी, आप शादी अटेंड करके तुरंत वापस आना, एक्सटेंड मत करना। हाँ चारू, देखो एक तो ये नया घर है, मैं और सुनील 2-4 दिन बाहर खाकर एडजस्ट कर लेंगे, उससे ज्यादा नहीं होगा भाई। क्यों? अच्छा बाबा, एक्सटेंड नहीं करूंगी। और सुनिए, फ्लैट के रेनोवेशन का पूरा ध्यान रखिएगा। ओके। और मैंने शैलेश भाई को ग्रेनाइट के कुछ सैंपल्स दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा कहीं पे फलता हुआ ग्रेनाइट ना लगा दे। जी मैडम। पक्का ना? पूरा ध्यान दीजिएगा फ्लैट पे। ओके मैडम, और कुछ? नहीं बस, चलें। माफ। चल, अपना ध्यान रखना। बाय बाय, सी यू। हनी रव बोल। राजेश, अर्जेंट मिलना है, 12 बजे ठीक रहेगा? हाँ मिल सकते हैं, कुछ खास बात हुई क्या? हाँ, कांदिवली हाईवे के पास जो नया रेस्टोरेंट है ना, स्पाइस कोर्ट, वहीं पे मिलते हैं, मुझे मलाड में काम भी है। ठीक है, 12 बजे मिलते हैं। क्या हुआ पापा, कोई टेंशन है? नहीं कुछ नहीं। जा वाली डील कैंसिल ही समझ लगा मुझे। जमीन कोर्ट के लफड़े में है ना? हाँ, तो अब मैं गिरीश से बात करता हूं, वो कोई ना कोई तोड़ जरूर निकालेगा। इस समय कौन है? मैं देखती हूँ। निर्मला,
कोई ब्रोकर हो ना तो कहना जगदीश भाई खाना खा के सो गए। राजेश का फोन है। हाँ राजेश बोल। हाँ जगदीश गनत्रा। कौन बोल रहा है? ये आपके भाई राजेश गनत्रा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कहाँ? महालक्ष्मी। आप कौन बोल रहे हैं? मैं सड़क से गुजर रहा था जब आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने मुझे फोन दिया और कहा कि मेरे भाई जगदीश गनत्रा को इन्फॉर्म कर दो। राजेश कहाँ है? कैसा है वो? बैटरी बहुत लो है। हेलो हेलो राजेश ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? हेलो हेलो अरे क्या हुआ? राजेश का एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान। महालक्ष्मी में और जिसने फोन किया उसे ज्यादा बात नहीं हो पाई, कह रहा था बैटरी डाउन हो रही है। राजेश भाई कहाँ है, कैसे है, आप जाके देखिए ना। मैं तुरंत निकलता हूँ, तुम कमलेश को फोन करके बताओ। हाँ मैं करती हूँ। हेलो मैंने जसलोक भाटिया जेजे बालाजी सेंट जॉर्ज सभी हॉस्पिटल चेक किए, कहीं कुछ नहीं मिला। जगदीश भाई मैंने ब्रीच कैंडी सैफी और बॉम्बे हॉस्पिटल छान मार लिया, महालक्ष्मी का कोई भी एक्सीडेंट केस वहाँ नहीं आया है। मैं ट्रैफिक पुलिस से कॉन्टेक्ट करता हूँ। हाँ मैं सुनील को फोन करता हूँ। हाँ तुरंत करो। हाँ कमलेश काका। सुन सुनील एक बैड न्यूज है, तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। एक्सीडेंट कहाँ पे? कुछ सीरियस तो नहीं है ना? अभी कुछ पता नहीं सुनील। जगदीश काका को तेरे पापा के सेल से फोन आया था कि महालक्ष्मी में उनका एक्सीडेंट हो गया है। किस हॉस्पिटल में है? वही तो पता नहीं चला सुनील। पूरे इलाके के सारे हॉस्पिटल चेक कर लिया हमने, कहीं पे भी उनका दाखिला नहीं हुआ। लेकिन फोन किसने किया था? कोई रास्ते का आदमी था, तेरे पापा ने उसे जगदीश भैया को फोन करने बोला। पापा ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? पता नहीं सुनील बेटा, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तेरे पापा सुबह कहाँ निकले थे। मुझे नहीं पता काका, सवेरे मम्मी दादी और श्वेता वडोदरा के लिए निकले, उसके थोड़ी देर के बाद 11:30 बजे पापा भी घर से निकले, मुझसे कुछ नहीं बोले वो। नहीं साहब, महालक्ष्मी जोन से कोई भी इनोवा के एक्सीडेंट केस रिपोर्ट नहीं हुई है। ठीक है, तो आप बता रहे थे कि आपका भाई राजेश गनात्रा बोरीवली में रहता है। हाँ साहब, साहब 8:30 बजे उस आदमी ने राजेश के फोन से मुझे फोन किया था और उसके बाद से उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अभी तो 11 बजे हैं, अगर मैं आपकी जगह होता तो बोरीवली पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराता। राजेश गणात्रा मेरा छोटा भाई, जौहरी है और रियल एस्टेट डेवलपर भी। मेरे डैड सुबह 11:30 बजे घर से निकले। कहाँ से? हमारे कांदीवली वाले घर से। आपने तो कहा बोरीवली रहते हैं? जी बोरीवली रहते हैं, लेकिन इस समय उस घर में रिपेयरिंग का काम चल रहा है और कांदीवली वाले घर में इस समय ये लोग किराए पर रह रहे हैं। आपको एक्सीडेंट वाला फोन आया 8:30 बजे? हाँ इंस्पेक्टर। आप कहाँ रहते हैं मिस्टर जगदीश? परेल में। कॉल करने वाले ने कहा कि एक्सीडेंट महालक्ष्मी में हुआ है, इससे पहले मैं कुछ और पूछ पाता वो बोला कि बैटरी डाउन हो रही है और फिर फोन कट गया। फिर मैंने अपने छोटे भाई कमलेश को फोन किया। सर हम दोनों ने साउथ मुंबई का हर हॉस्पिटल छान मारा, राजेश भाई कहीं भी एडमिट नहीं हुए थे। फिर मैंने सुनील को फोन किया ये पता करने के लिए कि राजेश भाई सुबह कहाँ के लिए निकले थे। इंस्पेक्टर साहब हम ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स भी जाके आए लेकिन वहाँ भी कोई एक्सीडेंट का रजिस्टर हुआ ही नहीं था। सुबह तक वेट करते हैं, हो सकता है जिसने भी कॉल किया हो उसने गलती से महालक्ष्मी बोला हो या फिर आपने गलत सुना हो, हम लोग भी पता लगाते हैं शायद किसी और इलाके के हॉस्पिटल में हो। और हाँ राजेश गनात्रा की एक तस्वीर लगी आइडेंटिफिकेशन के लिए। 29 अप्रैल 2012 ऐसा लग रहा था कि जौहरी और रियल एस्टेट डेवलपर राजेश गनात्रा का एक्सीडेंट हो गया है, पर उसके भाई और उसके परिवार वालों को उसका कोई पता नहीं मिल रहा था और इस एक्सीडेंट की खबर राह चलते एक आदमी ने राजेश के मोबाइल फोन से ही दी थी। एक्सीडेंट की सुबह घर से निकलते वक्त राजेश किसी टेंशन में था, एक जमीन की डील को लेकर परेशानी चल रही थी। इस जमीन की डील ने दस्तक दी राजेश के गुमशुदा होने की, पर इस हादसे के असली इशारे सालों पहले दिए गए थे। क्या हुआ राजेश कहाँ है? मम्मी आप लोग यहीं रुको, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, जगदीश काका और कमलेश काका वहीं आ रहे हैं। लेकिन घर से निकलते वक्त तेरे पापा ने कुछ तो बोला होगा ना? नहीं मम्मी कुछ नहीं बोले, बस थोड़े टेंशन में लग रहे थे। क्या हुआ पापा, कोई टेंशन है? नहीं। हम राजेश के ऑफिस भी गए थे लेकिन कल वो ऑफिस गया ही नहीं था। तुम तो कह रहे थे कि घर से निकलने से पहले तुम्हारे पिताजी को कोई फोन आया था। हाँ सर, मुझे लगता है वो उनके पार्टनर नीरव दत्ता का फोन था। सर राजेश गनात्रा का सेलफोन अभी भी स्विच ऑफ है,
उनको लास्ट कॉल आया था किसी नीरव दत्ता से 11:25 पर। सर 12 बजे कहीं मिलने की बात हो रही थी किसी रेस्टोरेंट में। राजेश गणत्रा ने लास्ट कॉल 444-786-789 पर किया था। किसका नंबर है? कोई गिरीश चौबे सर। नीरव दत्ता को लाओ। सर मैं और राजेश एक प्लॉट खरीदना चाहते थे विरार के पास, एक बिल्डिंग बनाने का प्लान था। उस जमीन को लेकर हमारी बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि जब पता चला कि वो जमीन लिटिगेशन में है, कोर्ट में अटकी। गिरीश चौबे कौन है? मैं गिरीश से बात करता हूँ, वो कोई ना कोई तोड़ जरूर निकालेगा। गिरीश मेरे और राजेश की तरफ से उस जमीन के लिए पार्टी से बात कर रहा था, रियल एस्टेट डीलर है। जी कल मिला था मैं राजेश भाई से करीब 12:30। क्या? जी जी मैं आता हूँ अभी तुरंत। सुशील मैं पुलिस स्टेशन होके आ रहा हूँ, तू यहाँ संभाल। जी हाँ सर मिला था मैं कल राजेश भाई सर। कहाँ और कब? सर कांदीवली ईस्ट में स्पाइस कोर्ट रेस्टोरेंट है, करीब 12:30 वहाँ पर। कितनी देर के लिए मिले थे? यही कोई 15-20 मिनट। उसके बाद राजेश कहाँ गया? पता नहीं सर, वो अपने रास्ते गए मैं अपने रास्ते। मुझे लगा वो अपने ऑफिस गए होंगे, कांदीवली वेस्टमन का ऑफिस है। नहीं वो अपने ऑफिस नहीं गया था। फिर पता नहीं सर, लेकिन बड़ी अजीब सी बात है। तुम राजेश गणत्रा के लिए लैंड डील कर रहे थे? जी। क्या डील थी और उस दिन तुम दोनों में क्या बात हुई? भाई वो जमीन सोना है सोना, हर डेवलपर की आंख में, लेकिन अब लिटिगेशन में है तो हम क्या कर सकते हैं? गिरीश यार तुझे नहीं पता था इसके बारे में? कितना सारा टाइम लगा दिया इस प्रोजेक्ट पर, कितने सारे प्लान्स बनाए हमने। अगर पता होता तो वो जमीन दिखाता ही क्यों मैं आपको, मेरा भी तो टाइम खोटी हुआ ना। सर 50 एकड़ जमीन है विरार से 10 मिनट की दूरी पर। मैंने राजेश भाई और नीरव भाई को वो जमीन दिखाई थी, दोनों को बहुत पसंद आई थी। मुझे लगा डील फाइनल हो जाएगी, सबका फायदा होगा, लेकिन सर आखिरी मोमेंट पे मालूम पड़ा कि जमीन क्लियर नहीं है, कुछ कोर्ट में मामला है, सबका मूड ऑफ हो गया, लेकिन राजेश भाई का कुछ ज्यादा हो गया। छोटे से छोटा ब्रोकर भी पान की दुकान किसी को दिखाता है तो उसके पहले पेपर चेक करता है, और तुमने 50 एकड़ जमीन बिना पेपर चेक किए दिखा दी। मान दो सर यहाँ चूक हो गई, लेकिन सर बड़ी पार्टी थी, बोले बेचना है, सब कुछ फाइनल हो गया, सर डील होने ही वाली थी, लेकिन अचानक दूसरी पार्टी ने नीरव भाई को फोन कर दिया और उनसे बोला कि मामला कोर्ट में है, कोर्ट जाना पड़ेगा वगैरह वगैरह। सर इस बात पूरा मामला फंसा हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं कह रही हूँ कि बात ना कुछ और ही है। 2 दिन हो गए, मुझे तो लगता है कि हमारे राजेश को किसी ने किडनैप किया होगा। लेकिन किडनैप किया होता तो पैसों की मांग करते ना अब तक। ये कुछ दिनों से ना काफी परेशान थे, बहुत चिड़चिड़े भी हो गए थे, कभी कुछ बताया ही नहीं कि बात क्या है। अब मेरे भी समझ में नहीं आया कि इन्हें टेंशन किस बात की है। देखो मैंने कहा ना मुझे नहीं पता, और मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अरे मेरी गलती कहाँ है, मेरे तो लेने के देने पड़ गए ना। सुनो सुनो सुनो, नुकसान मेरा हुआ और मैं तुम्हारी सुनू, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? रखो इंस्पेक्टर, वो जमीन जितनी मखीजा की है उतनी मेरी भी, मेरी रजामंदी के बिना वो 1 इंच भी नहीं बेच सकता। ये देखिए मामला कोर्ट में है और जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता कोई उस जमीन को टच भी नहीं कर सकता। पहले कोर्ट का परमिशन लगेगा, फिर मेरा परमिशन, तब और सिर्फ तब कोई डील हो सकती है। आपने नीरव दत्ता को फोन किया था? हाँ करना ही पड़ा, मेरी ड्यूटी थी, वरना उनको तो कभी जमीन मिलती नहीं, फालतू में इतना मेहनत करते। और अगर मखीजा उनसे पैसे लेता वो तो गैरकानूनी हो जाता ना। इंस्पेक्टर मुझे भी उतना ही मालूम था जितना राजेश को, हम लोग साथ में डील करते थे, पार्टनर्स थे। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप फालतू में मुझ पे क्यों शक कर रहे हो। हम किसी पे शक नहीं कर रहे हैं मिस्टर दत्ता,
सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि राजेश गणत्रा कहाँ है, या फिर उनके साथ क्या हुआ है या क्या किया गया है। सेलफोन अभी भी स्विच ऑफ ही है सर, और अनट्रेसेबल भी। और हाँ सर, राजेश गणत्रा की वाइफ चारुलता गणत्रा से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से वो टेंशन में थे, उन्हें शक है कि शायद किडनैपिंग हुई होगी। ना ना, किडनैपिंग का केस होता तो अब तक रैंडसम कॉल आ जाती। एक डील होते होते रह गई, इसमें किडनैपिंग का एंगल कहाँ से आने लगा? बोलकर स्टोरी कुछ और ही है, कोई असली कहानी छुपा कर दूसरी कहानी पेश कर रहा है। कौन है और क्यों कर रहा है ये हम पता लगाएंगे। वर्कर, राजेश गणत्रा की हर बैंक अकाउंट सभी डिटेल टेबल पे चाहिए। ज्वेलरी बिजनेस, रियल एस्टेट बिजनेस, धंधे की छोटी से छोटी डिटेल सभी चाहिए मुझे। यस सर। एक लैंड डील नहीं हुई और बंदा ही गायब हो गया, फिर और कुछ लोचा है। एक हफ्ता निकल गया, राजेश गणत्रा के गायब होने के केस में कोई लीड नहीं मिला था, कोई अंदाजा नहीं मिल रहा था कि उसके साथ क्या हुआ था। और फिर अचानक पुलिस के सामने दो बड़े सुराग आ गए। ये दोनों सुराग राजेश गणत्रा के उस फ्लैट से मिले थे जिसका रेनोवेशन हो रहा था, और राजेश के बैंक ट्रांजैक्शन ने भी पुलिस के कान खड़े कर दिए। सतबीर, मेरे को लकड़ी का काम शाम तक पूरा चाहिए, और तू उसको ठीक से मिलाना। बात कर रहा है। अरे चारू भाभी, राजेश भाई का कुछ पता चला? नहीं सुरेश भाई, अभी तक कुछ पता नहीं चला। हाथ चलाना क्या कर रहा है? आप कैसी बात कर रही हैं? मेरा कोई कारीगर जाके अलमारी कैसे खोल सकता है? लेकिन आपके राजेश भाई ने 2,00,000 रुपए कैश रखे थे अंदर, और वो गायब है अभी। भाभी, ये लोग मेरे साथ सालों से काम कर रहे हैं, और मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। ये लोग ऐसा काम नहीं कर सकते। आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या 29 अप्रैल रात 10:30 बजे राजेश गणत्रा ने अपना क्रेडिट कार्ड यूज किया? हाँ इंस्पेक्टर साहब, उसका बैंक का ट्रांजेक्शन तो यही दिखा रहा है। लेकिन जगदीश भाई, शाम 8:30 बजे एक आदमी राजेश के मोबाइल से आपको फोन करता है कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया, और 2 घंटे बाद उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल किया जाता है। वही तो, आप देखिए ना, आप खुद देखिए। हाँ चारू, बोलो। क्या सर? ना कबर्ड जबरदस्ती खोला गया है और ना ही लॉकर। इस कबर्ड की और लॉकर की एक एक्स्ट्रा चाबी है जो राजेश के पास है, राइट मिस गणत्रा? जी इंस्पेक्टर। 29 अप्रैल 2012 राजेश के सेल से एक अज्ञात आदमी फोन करता है 8:30 बजे, और जगदीश भाई को कहता है कि राजेश का एक्सीडेंट हो गया, और 10:30 बजे दहिसर ईस्ट की कपड़े की दुकान में राजेश का क्रेडिट कार्ड स्वैप किया जाता है, और अब हमें पता चल रहा है कि उसके फ्लैट से 2,00,000 रुपये गायब। लॉकर तोड़ा नहीं गया बल्कि चाबियों का इस्तेमाल हुआ है। ये तो राजेश गणत्रा का नाम लिखा है। साहब मैं ड्यूटी पे नहीं था, नाइट ड्यूटी वाला था, राधेश श्याम। तो राधेश श्याम को हाजिर करो फौरन। सर, कोई गेम खेल रहा है, और राजेश की जान खतरे में हो सकती है। उसका सेलफोन इस्तेमाल होता है, उसका क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल होता है, उसके लॉकर की चाबियां भी इस्तेमाल होती है। ऐसा गेम कौन खेल सकता है जगदीश भाई? इंस्पेक्टर साहब, अगर मेरे पति यहाँ पर आए होते तो वो रजिस्टर में अपना नाम क्यों लिखते, वो भी अपने ही फ्लैट में आने के लिए? और इस रजिस्टर में जो हैंडराइटिंग है वो मेरे हस्बैंड की नहीं है। चाबियां किसी और के पास भी हैं? साहब, राधेश्याम 29 तारीख को ड्यूटी पर यही थे साहब। राधेश्याम, राजेश गणत्रा अपने ही फ्लैट में जाने के लिए रजिस्टर में एंट्री को करेगा? नहीं साहब, जब तक मैं ड्यूटी पर था राजेश साहब आए नहीं। तो फ्लैट में कौन गया था? वो बोले कि कॉन्ट्रेक्टर है। ए, क्या 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 बकवास कर रहा है? कॉन्ट्रेक्टर तो मैं हूँ साहब, उस दिन रात को मैं नहीं आया था। अब ये झूठ बोला, झूठ क्यों बोल रहा है? नहीं साहब, ये साहब नहीं थे, वो कोई और था। कौन था वो साहब? ओ साहब, कहाँ जाना है?
301। 301 में तो काम चल रहा है और घर के लोग सब बाहर गए हैं। जानता हूँ भाई, मेरे ही आदमी काम कर रहे हैं। मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, देखने आया हूँ कितना काम हुआ और कितना बाकी है। ठीक है साहब, एंट्री कर दो। उसने जो नाम लिखा, नंबर लिखा, वो तुमने चेक नहीं किया? नहीं साहब, चेक नहीं किया, गलती हो गई साहब। सर एक मिनट, CCTV कैमरा नहीं है आपकी दुकान में? सर अभी कुछ दिन पहले ऑर्डर्स दिए थे, अभी इंस्टॉलेशन होना बाकी है। पिछले 4 सालों से हम लोग सभी दुकानदारों को बार बार कह रहे हैं कि CCTV कैमरास लगवाइए, CCTV कैमरास लगवाइए, लेकिन आप लोग सीरियसली लेते नहीं। सेल्समैन था रविचंद्र जी, बुलाइए। 29 अप्रैल 2012 रात 10:30 बजे एक आदमी ने 6 शर्ट खरीदी थी, तब तुम काउंटर पे थे? हाँ सर, मुझे क्लियर याद है, उस आदमी ने 6 शर्ट लिए थे। वो आदमी याद है? हाँ साहब, मुझे क्लियर याद है। सर ये देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास मटेरियल है, आप पे बहुत मस्त लगेगा। ये पैक कर दे। सर एक नया रेंज है, आप पे बहुत सूट करेगा। अबे ओ, तूने सुना मैंने क्या बोला? बस यही शर्ट पैक कर दे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ओके सर। सर मुझे वो आदमी इसलिए याद है क्योंकि आज तक इतने जल्दी 6 शर्ट किसी ने नहीं खरीदे थे। यही फेस कट था और बाल भी। तू जा, जरूरत पड़ेगी दोबारा बुलाएंगे। ठीक है सर। इसी आदमी के पास राजेश का क्रेडिट कार्ड था और लॉकर की चाबियां भी, और सर फुल चांस है कि इसी आदमी के पास राजेश का मोबाइल भी हो और वो अज्ञात फोन भी इसी ने किया होगा। मतलब ये कि या तो राजेश इसकी हिरासत में है, जबरदस्ती कहीं छुपा रखा है, या इस आदमी ने राजेश के साथ कुछ कर दिया है, या किसी के कहने पर कुछ कर रहा है और हमको गोल गोल घुमा रहा है। और राजेश खुद भी तो ऐसा करवा सकता है सर। हम लोगों ने जिन जिन लोगों को क्वेश्चन किया है सबकी जन्म कुंडली निकलवाओ और इस स्केच को सारे पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करवा दो। कोई कमी ना हम पे बाउंसर डाल रहा है। किस ठंडा होने तक मुंबई से निकल ले। चारू कुछ तो हिंट दिया होगा, क्या टेंशन क्या थी? कुछ नहीं पता भैया, सच बता रही हूँ, कुछ भी नहीं पता। ये विरार वाली जमीन को लेकर टेंशन हुआ था ना? सुनो सुनो सुन, नुकसान मेरा हुआ और मैं तुम्हारी सुनो, क्या समझ रखा है तुमने मुझे? रखो। हाँ काका। काका आप नीरव अंकल से बात कीजिए ना। हाँ काका, उस सुबह भी पापा नीरव अंकल से यही बात कर रहे थे और उनसे बात करने के बाद फोन से मिलने के लिए निकल पड़े। मुझे लगता नहीं कि किसी ने किडनैपिंग की है, अगर ऐसी कोई बात होती तो अब तक फोन आ जाता कि इतने लाख दो वगैरह। मैं नीरव से बात करता हूँ, मुझे लग रहा है कि वो कुछ छुपा रहा है। ठीक है नीरव, ठीक है, हम सब परेशान थे इसलिए बस तुमसे पूछ रहे थे। एक हफ्ता हो गया है हमारे राजेश को गायब हुए, उसका कुछ आता पता नहीं है। इसकी फिल्मी स्टोरी है सर, ये उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता है। 22-23 साल पहले मुंबई आया, शुरुआत की भाड़े का ऑटो चलाकर,
उसके बाद धीरे धीरे ये किसी प्रॉपर्टी ब्रोकर का असिस्टेंट बन गया, फिर ब्रोकर बन गया, करते करते वो नॉर्थ मुंबई की रियल एस्टेट बिजनेस का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया। यहाँ भी शुरुआत की फ्लैट और दुकान को किराए पर चढ़ाने से, अब तो बड़े बड़े बिल्डर्स के साथ उठता बैठता है, प्रॉपर्टी की डीलिंग्स करता है, करोड़ों में खेलता है। प्रॉपर्टी डील्स में सब कुछ सीधा नहीं होता ब्रोकर, हम सब जानते हैं। गिरीश जिस जमीन का सौदा राजेश और नीरव के साथ कर रहा था वो भी करोड़ों की थी सर। वो लिटिगेशन में थी, कोर्ट में दो पार्टियां उस पर लड़ रही थी। सर मनसुखानी का पार्टनर मखीजा आया था प्रस्ताव लेकर कि जमीन बेचनी है, ग्राहक ढूंढो। सच कहूँ सर, मुझे मालूम था कि मामला कोर्ट में है, लेकिन मखीजा बोला कि अगर एक बार बोली लगेगी तो मनसुखानी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करेगा। सर इसी भरोसे मैंने राजेश भाई और नीरव भाई को जमीन दिखाई, दोनों को कुछ बड़ा करना था और मनसुखानी ने टांग अड़ा दी। सर अपनी लाइन में ऐसा होता है, जब किसी को ऑफर किया गया पैसा पसंद नहीं आता, मन नहीं भरता या और पैसा चाहिए तो किसी भी बात पर आ जाते हैं और डील कैंसिल कर देते हैं। राजेश गन्नात्रा इस लाइन में 4 साल से, उसने भी ऐसा होता देखा होगा पहले, ये लास्ट मिनट पे डील कैंसिल होना? जरूर देखा होगा सर, यही बात तो अपन को समझ में नहीं आई, एक डील कैंसिल हो गई तो इतना परेशान काहे हुए राजेश भाई। और सच कहूं साहब तो 29 तारीख को जब मैं राजेश भाई से मिला था, जिस दिन से वो गायब, उस दिन वो किसी भी परेशानी में नहीं लग रहे थे, मेरी रोज की तरह उनसे बात हुई। सर स्केच पे अभी तक कोई रिस्पांस नहीं है, लगता है किसी ने उस आदमी को अलर्ट कर दिया, ऐसा कोई जिसका राजेश गन्नात्रा के गायब होने में हाथ। सेल फोन अभी भी स्विच ऑफ है सर। 6-6 शर्ट्स खरीदता है जल्दी में, 2 लाख रुपए कैश चुराए, लॉकर चाबी से खोला, पर अभी तक हमारे पास कोई मौका या आरोपी नहीं, सस्पेक्ट तक नहीं है। कमिश्नर साहब 1 महीना हो गया है, हमारा भाई राजेश अब तक गायब है, और अब बोरीवली पुलिस स्टेशन की मिसिंग फाइल्स में हमारे भाई का केस दफन होकर रह गया। सर उसका क्रेडिट कार्ड यूज हुआ है, उसके लॉकर की चाबी यूज हुई है, लॉकर से कैश गायब है, लेकिन सर इसका ये मतलब नहीं कि राजेश खुद से कहीं चला गया है, सर वो इस तरह का आदमी है ही नहीं। सर कुछ अर्जेंट बेसिस पे करवा दीजिए, हो सकता है हमारे भाई की जान खतरे में हो। सर इस केस में इन्वॉल्व सभी लोगों के पिटारे इस फाइल में हैं। सारे पिटारे खोलो और सभी की एक एक डिटेल माइक्रोस्कोप के नीचे डाल दो। फर्स्ट थिंग, राजेश गन्नात्रा 1 महीने से मिसिंग है और अभी तक कोई फिरौती का कॉल नहीं आया, मतलब उसका किडनैप नहीं हुआ, किडनैपिंग इज रूल्ड आउट। सेकंड पॉसिबिलिटी है वो खुद कहीं चला गया, लेकिन सवाल यह है वो खुद कहीं क्यों जाएगा, और ये बहुत बड़ा सवाल है। तीसरी पॉसिबिलिटी है कि कोई बहुत पुरानी दुश्मनी या बिल्कुल नई दुश्मनी जो अभी तक किसी की पकड़ में नहीं आई है। सर शायद कोई प्रेशर में था, कोई ब्लैकमेल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी है उसका कोई एक तगड़ा सुराग इस फाइल में है, कोई एक शख्स है जो झूठ बोल रहा है, जो कुछ छुपा रहा है, कुछ दबा रहा है। एक बार पिटारे का सही ढक्कन खुलेगा तो सच्चाई स्प्रिंग की तरह उछल के बाहर आएगी। क्या हो पापा, कोई टेंशन है? राजेश गन्नात्रा कहाँ था? क्या उसका गुमशुदा होना उन 2 मिसिंग केसेस के साथ लिंक था जो 2008 और 2010 में हुए थे? कहीं ऐसा तो नहीं था कि किसी को लोगों को गायब करने की लत लग गई थी, कोई विकृत सुकून मिलता था उसे? राजेश गन्नात्रा का सेल फोन, क्रेडिट कार्ड, अंडर रेनोवेशन घर की चाबियां, उसके कबर्ड और लॉकर की चाबियां, ये सभी चीजें इस्तेमाल हुई थी। अब इस केस की चाबी वो अनजान शख्स था जिसने इन सभी चाबियों का इस्तेमाल किया था। कल रात क्राइम ब्रांच इस केस का खुलासा करेगी और कल रात 11 बजे राजेश गन्नात्रा के गायब होने के केस में कुछ गड़े मुर्दे उखड़ेंगे। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।